अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ रहस्य में सिग्नल आ रहे हैं। कहीं ये सिग्नल एलियन दुनिया के तो नहीं है। वैज्ञानिकों ने इन सिग्नलों को 91 घंटे डिटेक्ट किया और जिसमें 82 घंटे में 1863 सिग्नल मिले। पहले भी सिग्नल मिलते थे लेकिन बेहद कम समय के लिए, इस बार ज्यादा मात्रा में और समय तक दर्ज किए गए। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं, क्या एलियन वास्तविक में है या भविष्य में इनसे हमारी मुलाकात होने वाली है। तो आपको कैसा लगेगा जब किसी एलियन की आपसे मुलाकात होगी, तो उसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल पर जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी दबा दें, शेयर और लाइक करें। चलो आओ दोस्तों आज बात करते हैं एलियंस के ऊपर। एलियन दुनिया से संपर्क हो गया तो ऐसा लगता तो, क्योंकि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में के एक कोने से लगातार पृथ्वी में आ रहे सिग्नल मिल रहे हैं। इन्हें रिकॉर्ड भी किया गया। ये एक नए प्रकार के रेडियो सिग्नल है जो सामान्य फास्ट रेडियो बर्स्ट से अलग है। वैज्ञानिकों ने लगातार 91 घंटे उस दिशा में टेलीस्कोप से निगरानी की जहां से सिग्नल आ रहे हैं। इतने घंटों में से 82 घंटे तक जो 1863 सिग्नल आए हैं, यह सिग्नल हमारी पृथ्वी से सुदूर एक गैलेक्सी से आ रहे हैं। जिस जगह से ये आ रहे हैं उनका नाम है FRB 2020-11-24A। इसे चीन के 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप ने पकड़ा है। इन सिग्नल की स्टडी चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी में के एस्ट्रोनॉमर हैंगसू कर रहे हैं। हैंगसू कहते हैं कि इस गैलेक्सी में कोई मैग्नेटार यानी न्यूट्रॉन स्टार है जो यह रेडियो सिग्नल भेज रहा है। उसके पास बहुत ज्यादा मैग्नेट फील्ड है FRB 2020-11-24A। अंतरिक्ष में उस तरह का तारा है जैसे जंगल में घूमता हुआ खूंखार महासारी जानवर। तो इनको देखकर, इन सिग्नल को देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी से हमारा एलियन से संपर्क होने वाला है। दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर बड़े बड़े रेडियो एंटीना लगे हैं जो ऐसे रेडियो सिग्नलों को पकड़ते हैं। लास वेगास स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा की एस्ट्रोफिजिस्ट बिंग जोंग ने कहा कि इन रेडियो सिग्नलों ने हमारे होश उड़ा दिए। अब इनकी स्टडी करने के लिए अमेरिका और चीन दोनों के वैज्ञानिक साथ काम कर रहे हैं। यह हमारी कल्पना से बहुत ज्यादा रहस्यमय है। यहां से कई अलग अलग वेवलेंथ के रेडियो सिग्नल मिल रहे हैं जिनकी जांच की जा रही है। उन्हें समझने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं किसी और दुनिया से हमारे लिए किसी तरह का यह कोई संदेश तो नहीं आ रहा, लेकिन इसे समझना इतना आसान नहीं है। FRB 2020-11-24A की गैलेक्सी हमारी आकाश गंगा जैसी ही महसूस हो रही है। फास्ट रेडियो बर्स्ट को 15 साल पहले खोजा गया था, तब से लेकर अब तक ये सिग्नल लगातार वैज्ञानिकों को परेशान कर रही है। उन्हें समझना मुश्किल होता जा रहा है, किसी एक रहस्य को सुलझाए उससे पहले नए तरह के FRB मिल रही है। ये रेडियो बर्स्ट इतनी ऊर्जा छोड़ते हैं जितने 50 करोड़ सूरज मिलकर निकालेंगे, लेकिन ज्यादातर FRB एक बार में ही विस्फोट करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जो थोड़े थोड़े समय पर रेडियो सिग्नल भेजते रहते हैं। साल 2020 में पहली बार अपनी आकाशगंगा के अंदर एक फास्ट रेडियो बर्स्ट मिला था। वैज्ञानिक अब रेडियो सिग्नल भेजने वाले मैग्नेटार की गैलेक्सी का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने FRB 2020-11-24A को लगातार मॉनिटर किया। इस दौरान उन्होंने रिपीट मोड में लगातार सिग्नल भेजे। हैरानी की बात यह है कि ये सोर्स सिग्नल भेजने के साथ साथ पोलराइजेशन भी कर रहा है, यानी यह प्रकाश की किरणों को 3D स्पेस से भेज रहा है। अब वैज्ञानिकों ने इन किरणों की स्टडी कर रहे हैं ताकि मैग्नेटार वायुमंडल या वातावरण के बारे में पता कर सके। ज्यादा पोलराइजेशन यानी ज्यादा चुंबकीय शक्ति, इनकी स्टडी नेचर और नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई है। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसे कई सिग्नलों को पकड़ा जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने भी ऐसे सिग्नलों को दर्ज किया है जो 3 सेकंड तक एक्टिव था। MIT के वैज्ञानिकों ने पुष्टि किया है कि ये सिग्नल हर 0.2 सेकंड के गैप में 3 सेकंड तक आता रहा। इस गैप में मिल किसी तरह का कोई अंतर नहीं था, समयबद्ध तरीके से सिग्नल मिल रहे थे जैसे कहीं से इन्हें तय समय पर फिक्स गैप में पृथ्वी पर भेजा जा रहा। इन रेडियो तरंगों को द्वारा कैनेडियन हाइड्रोजन इन सिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट ने भी इसको रिकॉर्ड किया है। CHIME कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में मौजूद एक ताकतवर रेडियो टेलीस्कोप है। इसने अब तक सैकड़ों FRB को पकड़ा है। इस रेडियो बर्स्ट को FRB 2019-12
1A नाम दिया गया। यह सबसे लंबे समय तक दर्ज किया जाने वाला रेडियो सिग्नल था। अभी तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट की उत्पत्ति कैसे होती है। हालांकि ये माना जाता है कि ये रेडियो पल्सर या फिर मैग्नेटार से पैदा होते हैं। मैग्नेटार तब बनता है जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराकर एक नए स्टार का निर्माण कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी सही रही, अगर ऐसा सच में हो रहा है, या वास्तविकता में ये कहीं से हमारे ग्रह पर ये सिग्नल किसी दूसरे ग्रह से आ रहे हैं और इनकी जांच में अगर सत्य पाया गया, तो दोस्तों वह दिन दूर नहीं है जब हमारा अपने जैसे किसी से संपर्क होने वाला है और उनसे हम रूबरू होने वाले हैं, यानी कि एलियन से। और वो कभी ना कभी, वो क्या पता, हमें पता भी नहीं है कि वो कब पृथ्वी से आकर भी चले गए हों या हमारे आकाश गंगा में ही घूम रहे हों, उनका हमें अभी तक पता नहीं लगा। लेकिन साइंटिस्ट जिस प्रकार से हमारे मेहनत कर रहे हैं, तो अब लगता है कि वो समय दूर नहीं है जब किसी दूसरी ऐसी ही गैलेक्सी के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? तो फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, तब तक के लिए धन्यवाद।